राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ थाना कंदरापुर में छेड़खानी का विरोध किए जाने पर दबंगों ने की मारपीट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित भगवान यादव ने बताया कि 30 मई 2021 की शाम को मेरी पुत्री नीतू यादव पानी लेने गई। उसके साथ प्रदीप यादव पुत्र नंदा यादव और राहुल यादव पुत्र मनोज यादव ने मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी किया। जब मेरी पुत्री घर पर आकर बताई और हम लोग विरोध किए तो दबंग लोगों ने हमारे पूरे परिवार के साथ हमारे घर की औरतों के साथ मारपीट की। वह घर में लूटपाट व तोड़फोड़ किए। उन लोगों द्वारा धारदार हथियार से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिए। बता दें कि जिसमें हमारे परिवार के लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी शिकायत हमने कंदरापुर थाने पर की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने मौके पर की जांच करके उन्हें उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि हमें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। बाइट सुधीर कुमार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, बाइट राम जन्म यादव पीड़ित, बाइट पूजा यादव पीड़ित। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। देखिए, कंदरापुर में मारपीट का मामला है। मैंने सीओसीटी को कहा है कि वो वहां पर जाएंगी कार्रवाई, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन कुछ लोग आज मेरे सामने पेश हुए थे तो क्षेत्राधिकारी नगर को, जो कि उनके क्षेत्र का कंदरापुर है, मैंने कहा वहाँ जाएंगे और पूरी चीजें देखेंगे और जो प्रॉपर कार्रवाई होगी। पूजा यादव, पूजा यादव कहाँ के रहने वाली हो? मातनपुर। कौन थाना है? कंदरापुर। अच्छा, क्या मामला है, यहाँ आई हो आप? यहाँ पे छेड़छाड़ी किया गया। कौन किया छेड़छाड़? पूरा बताओ। हाँ, राहुल और प्रदीप। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मातनपुर के। अच्छा, जिस समय छेड़खानी किए थे तो आप लोग विरोध किए? हाँ। तो विरोध करने के बाद क्या हुआ? विरोध करने के बाद यही हुआ, सब लोग उसके घर वाले पूरे खानदान भर के मारपीट करने मारने आ गए। तो किनको किनको मारे? पूरे औरतों को मारने का, हमारे घर पे कोई आदमी नहीं थे, घुस घुस के मार रहे थे, दरवाजा तोड़ के मार रहे थे सब। अच्छा, इसके लिए आप लोग थाने पे गए? थाने पे गए थे, सुनवाई नहीं हो रही है, 3 दिन हो गया। तो आज एसपी साहब भी आए हैं? हाँ। क्या आप लोग आत्महत्या कर लेंगे? न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। बेकसूर का मारे हैं, उसका हमको लोग को चाहिए न्याय चाहिए, बस न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। मेरा नाम राम जन्म यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मातनपुर बद्दोपुर थाना कंदरापुर। अच्छा, क्या मामला है कि आप लोग यहाँ आए हैं? हम लोग सर इसलिए आए हैं कि हमारे घर की जो लड़की थी नीतू यादव, ये पानी लेने गई, उसमें मनोज यादव का लड़का राहुल यादव और नंदा यादव का लड़का प्रदीप यादव, ये छेड़छाड़ करने लगे। ये घर पे आई और सबको बताई तो जब उसका सब लोग मना वना किए तो वो लोग पूरे परिवार के साथ लाठी डंडे फावड़ा कुदाल लेके पूरा हमारे घर को एकदम धावा बोल दिए, मारपीट के औरतों और आदमियों को लहूलुहान कर दिए, जिसमें हमारा घर उबार सब लूटपाट के ले गए हैं। इसमें अगर सीओ साहब के यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं ताकि इस पर न्याय हो, एसपी साहब के यहाँ इसलिए हम लोग आए हैं ताकि ये न्याय हो, और न्याय नहीं हो तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। जो मारे पीटे थे थाने पे सुनवाई नहीं है आप लोग? हम लोग थाने पे गए थे, थाने पे वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो लोग पैसा दे के हम लोगों का झूठी मुकदमा हल्का फुल्का लिख के हटा दे रहे हैं। तुम लोग जाओ घर। कितने घायल हैं? लगभग दर्जनों भर सब लोग घायल हैं। जिनका नाम राम भगवान यादव, मुन्नीलाल यादव, लाली देवी, शीला यादव, पूजा यादव, नीतू यादव, करण यादव, फिर उसके बाद कंचन, अर्जुन यादव, अरुण यादव। मारने वाले कौन? मारने वालों में नंदा यादव, रमाकांत यादव, केसई यादव, जगबीर यादव, फिर राम जन्म यादव, उसका बेटा सत्यम यादव, हीरा यादव, फिर उसके बाद प्रदीप यादव, राहुल यादव, बता दें सर, राहुल यादव, प्रदीप यादव, संदीप यादव। आज ये सब दबंग बहुत किस्म के व्यक्ति हैं। ये लोग एक दो दिन पहले एक मामला हुआ था गांव में, जो कि वो छेड़छाड़ उसको बीच बाजार में मारे हैं। उसका नाम गीता यादव है, उसको बीच बाजार में वो राम जन्म यादव मारा। उसके बाद उसने विरोध किया तो जाके FIR लिखाई। उसी के चक्कर में जब वो सुलह समझौता नहीं की उससे तो वो क्या किया, पूरे परिवार के साथ लगा लपटा के मेरे पूरे परिवार को पूरा मार के लहूलुहान सब कर दी। हमने यहाँ आए थे SP साहब के यहाँ, उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई, आज गिरफ्तारी सबकी होनी चाहिए, थाने पे फोन करके आदेश दे दिए।
बीबी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।